हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार। तो गाइस, हम आपको इस ब्लॉग में लेके चल रहे हैं गोवा को, और आप हमारे साथ रहेंगे कम से कम 8-9 दिन। तो गोवा में हम आपको घुमाएंगे बीचेस पे, वहाँ के लोकल फूड खिलाएंगे, दिखाएंगे, और इसके अलावा नए नए नज़ारे दिखाएंगे आपको। अभी मैं हूँ टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पे, ये देखिए चारों तरफ, और मेरी जो फ्लाइट है वो 12 बजे की है। अभी 11:15 हो चुके हैं, तो बोर्डिंग शुरू हो गई है। बस अभी 10 मिनट में हम बोर्डिंग कर लेंगे, और उसके बाद हमारी फ़्लाइट जो है वो 2:20 की है गोवा। तो तकरीबन हम 2:30 पहुँच जाएंगे गोवा में। तो एंजॉय कीजिए हमारे साथ और बने रहिए इस गोवा के सफ़रनामे पे। तो गाइस, 2:30 बज चुके हैं और हम गोवा में पहुंच चुके हैं, और हमारी फ्लाइट जो है बिल्कुल राइट टाइम उतरी है। और ये सामने देखिए बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू गोवा। तो गोवा में पहुंच चुके हैं, अब सीधा जा रहे हैं अल गोवा में, हमारा जो रिसोर्ट है, अपने रिसोर्ट जा रहे हैं, जो एयरपोर्ट से 21 किलोमीटर है। टैक्सी बुक कर ली है, टैक्सी की बड़ी मारामारी है भाई। 650 रुपये में मांग रहा, 800 रुपये मांग रहा था, 650 में सेटिंग करी है। अब जा रहे हैं, वो भी एयरपोर्ट के बाहर इन्होंने टैक्सी लगा रखी है, सारा का पंगा ही है कुछ ना कुछ। ये देखिए वेलकम टू गोवा, ये हमारी टैक्सी आ गई है, और अब हम जा रहे हैं अल गोवा रिसोर्ट में। और ये सामान रख देता हूँ पहले। तो गाइस, अभी हम टैक्सी में बैठ गए हैं, और यहाँ से 21 किलोमीटर है हमारा अल गोवा जो रिसोर्ट है। जगह का नाम क्या था? बतलपति, कोकोनट ग्रोव में बतलपति है कोई। साउथ गोवा में हम जा रहे हैं अभी, तो हमारा स्टे 3 नाइट्स का है साउथ गोवा में। और ये देख लीजिए गोवा है ये। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अल गोवा रिसोर्ट में। ये मेरे सामने है अल गोवा का रिसोर्ट, ये सामने गेट है, एंट्री गेट। और अभी टैक्सी वाला हमें छोड़ के गया है, तो लगभग 4:45 बज चुके हैं। ये देखिए एंट्री है, काफ़ी अच्छा रिसोर्ट है। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा टूर यहाँ का, बहुत ही काफ़ी अच्छा, इकोनॉमिकल और बढ़िया है। एट लास्ट हम पहुँच गए हैं अपने रूम में, और ये है हमारा बेडरूम, और ये है हमारा बाथटब। तो गाइस, हमारा गोवा ट्रिप शुरू हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं अपना एक बीच पे, कुलावा बीच है, और कुलावा से पहले एक दो बीच हो रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं कुलावा बीच, या गुलावा के साथ में जो भी पहला बीच पड़ेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये रास्ता देखिए, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, पूरा कोकोनट, दोनों तरफ ट्रीज लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है यार। चारों तरफ शांति शांति है, हरियाली है। ये देखो चारों तरफ का व्यू, साउथ गोवा बहुत ही बिल्कुल शांत एरिया है, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड यहाँ। तो ये हमारी अब फैमिली ट्रिप चल रही है, और मैडम हमारे साथ आई हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं गोवा का बीच पहला। विद इन 1 किलोमीटर ये बीच पे हम पहुंच गए हैं, ये है बैथिल बाथिम बीच। मैं दिखा देता हूं आपको चारों तरफ का व्यू, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है बैथिल बाथिम बीच। और मैं लेफ्ट हैंड जाऊंगा तो आगे कोलाबा बीच आ जाएगा, फेमस कोलाबा बीच। और मेरे राइट हैंड पे है मजोर्डा बीच। तो सारे कनेक्टेड बीच होते हैं, आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आप बीच का नाम चेंज होता जाएगा। और ये वाइट सैंड है यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत है, शांत है, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो वॉकिंग कर रहे हैं, अपना घूम फिर रहे हैं।
तो बेतल बातिम में हमारा जो रिसोर्ट है अलग हुआ, वहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है और वहाँ से हम आगे हैं कोलाबा बीच पे वॉकिंग करते करते। और ये बीच काफ़ी मतलब साफ़ सुथरा है और जो सैंड है बहुत ही स्मूथ है। और मॉर्निंग का व्यू और दिखाऊंगा अभी, ये आप देख लीजिए, ये रात का व्यू है और कैंडल लाइट। अभी कुछ हम स्नैक्स ले रहे हैं और ड्रिंक ले रहे हैं। ये मेरे चारों तरफ है कोलाबा, ये मैं आपको नाइट व्यू दिखा रहा हूँ और कल सुबह भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। तो गाइस 8:41 हो गया है और हम गोवा, साउथ गोवा की सड़कों पे वॉक कर रहे हैं। तो हमारे रिसोर्ट के पास है बेतल बातिम का जो बीच है, वहाँ गए थे। वहाँ से फिर हम बीच में पैदल चलते चलते हम कोलवा बीच पे पहुँच गए थे और कोलवा से हम अब वापसी आ रहे हैं। और कोलवा से लगभग 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कोलवा पे हमने डिनर भी कर लिया है और डिनर में हमने खाई थी साउथ इंडियन थाली, बहुत ही बढ़िया लगा हमें। अब सीधा जाएंगे अपने रिसोर्ट पे और बस सो जाएंगे, तो सुबह एक्सप्लोर करेंगे अपना साउथ गोवा को। तो बने रहना मेरे साथ।